लग बापू, अरे ओ कर लग बापू। पता नहीं दिन भर कहाँ घूमा करते हैं, जरा चाची से पूछ के देखे। अरे चाची, कहाँ है दुल्हन? तुमने क्या हमारे कल्लू बापू को देखा है? अरे रहो, काम से गए हुए हैं। अब इनको एक बाहू चिल्ला चिल्ला के बुला लें। बताएं दिन भर घुमा करते हैं। अरे ओ आओ, कहाँ घूम रहे थे? तुम्हारी आँख खुलती नहीं है कि मैं तुम्हारा हूँ? पक पूँ चालू हो जाता है। आए परेशान हो, पूरा घर खोपड़ी उठाओ। इतनी देर से तुमको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे, कहाँ चले गए थे तुम? काम से गया था। आ घर में रहूंगा तो खाने का इंतजाम कौन करेगा? लो खाना दो। अच्छा खाना दो ना, घर में राशन है, गैस भी खत्म हो गई है, और देखो पानी भी चला गया, और देखो कलुआ हमारा बेचारा बीमार है कल से। हे भगवान, क्या कलुआ भी बीमार है? और क्या, अभी सुबेरे तो अब पापा टॉफी दिला दो कर रहा था, इतनी जल्दी बीमार कैसे हो गया? अरे डॉक्टर साहब को दिखा के आए हैं, वो बता रहे थे ये सब बीमारी गंदगी की वजह से फैल रही है। गंदगी की वजह से? हाँ, लेकिन अपना पूरा घर तो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। हाँ काहे नहीं, अब बगल में शौचालय देख लो कितना गंदा पड़ा है, और नाली देखा घर के बाहर की, बिल्कुल बदबजा रही है। अब ज्यादा हमको समझाओ नहीं, अब क्या बताएं चाची, अब ये सारा काम करने की जिम्मेदारी क्या मेरी है? अब शौचालय में भी क्या रोज रोज झाड़ू लगाएंगे? अरे हमारे कहने मतलब वो नहीं है, अरे हफ्ते में एक बार तो सफाई कर ही सकते हो, लेकिन पानी रोज रोज डालना है अच्छे से। ठीक है, अब तुम्हारी सारी बात मैं समझ गया, लेकिन अपनी गलती नहीं बताओगी। अब बताओ चाची, अपने घर के बाहर जो दरवाजे पे नाली बनी है, उसमें कूड़ा कचरा डालने का काम रोज ये करती है? नहीं तो नहीं, यह बहुत गंदी बात है। हमको पता नहीं था ना। ठीक है, सारा काम कर दूंगा, लेकिन कूड़ा हमेशा और बाहर डस्टबिन में डालना, और जानती हो नीला डब्बा हरा डब्बा दो डब्बे लगे। हाँ, तो गीला वाला जो कूड़ा है वो हमेशा हरे वाले डब्बे में डालना। अच्छा। और जो सूखा वाला कूड़ा है उसको हमेशा नीले वाले डब्बे में डालना। अरे वाह, अब तो हमको पता चल गया भैया, उसी में फेंकेंगे हम। और एक जरूरी बात तुम्हें बताना ही भूल गया। का? आज वो दीदी आती है ना अपने यहाँ, भैया आते हैं। कौन? अरे वो, अरे अंगीकार वाली दीदी। अरे पूनम दीदी। अच्छा, हम लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में बताया था। हम लोगों की तो किस्मत बदल गई। अब पहले तो चाची तुमसे कुछ छुपा नहीं है, टूटे ही मड़िया हम लोगों के पास में थी, जगह जगह उसमें भी छेद, बारिश के दिनों में तो मड़िया जगह जगह से चूने लगती थी। क्या बताऊं चाची, कभी कभी तो मुंह पे भगोना रख के सोना पड़ता था। बच्चा हम देखे हैं सब। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हम लोगों को मकान मिल गया, तब से हम लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। तो और चाची, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में तो दीदी ने बताया था, उसके अलावा अंगीकार अभियान के बारे में भी जानकारी दी। यू अंगीकार अभियान का है? अंगीकार अभियान का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो आवास है उसका मतलब घर से है, ये चार दीवारी और छत से नहीं है। अरे दुल्हन, यू बताओ चार दीवारी और छत से ही तो घर होते। अरे चाची, वो चार दीवारी छत की बात नहीं कर रहे हैं, वो आवास की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं हो और हमारे परिवार के सपने जुड़े हो। अरे वाह, प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही अच्छी बात कही बिटिया। अरे चाची, यही बात तो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हम लोगों को रहने के लिए मकान तो मिल ही गया, साथ ही साथ योजना के अंगीकार अभियान से हम लोगों को जीवन जीने के तरीके और साफ सफाई के बारे में, उन सबके बारे में पता चल रहा है। हाँ, जैसे अपनी पायल बिटिया है ना। हाँ। उनको उज्ज्वला योजना की तरफ से गैस सिलेंडर मिल गया है, अब जाके उनकी देखो, उनकी भी रसोई एकदम धुआं रहित और बीमारी रहित हो गई है। अरे वाह। हाँ। सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा भी मिल रही है। हाँ, अब सारी बातें खत्म करिए और हमारा गैस सिलेंडर भरवा के ला पहले। अच्छा ठीक है, आओ क्या मारे भूखन की आते निकली आ रही। हर समय बस काटने को दौड़ती है, लाओ सिलेंडर लाओ भरा के लाता हूँ। ओ बच्चा। अरे चाचा। अरे भैया, आज भी खुश रहा। नमस्ते चाचा। खुश रहा क्या? खुश रहा।
और चाचा आज बड़े खुश मालूम पड़ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है बच्चा। वो क्या? मेरा आयुष्मान भारत कार्ड जो बन हुआ है। अच्छा देखा, फिर वही बात आ गई आयुष्मान भारत कार्ड की। जानती हो? नाम सुने हैं लेकिन इसके बारे में नहीं पता था हमको। एक तो तुम्हारी भूलने की बड़ी खतरनाक बीमारी है। अरे आयुष्मान भारत कार्ड जिसका बना है उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अच्छा, अब तुम तो जानती हो बेचारे चाचा गरीब आदमी है, आए दिन बेचारे बीमार रहते हैं, अब कहां से बेचारे इलाज करा पाएंगे। लेकिन अब सरकार की इस मदद से चाचा अब तो तुम्हारी भी परेशानी दूर हो गई। अब कोई बीमार नहीं रहे लाचार क्योंकि हो रहा है सबका उपचार। वाह 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 वाह। अरे भैया राम राम। अरे मामा राम राम। अरे भैया बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? खुशी की तो बात ही है मामा जी। अच्छा अच्छा समझ गए, ये जो मकान मिल गवा है। हाँ, है ना? ओ देखो देखो पानी बहरा। तुम्हारी इतनी खराब आदत है हम का बताएं। अब जब भी लड़का मंजन करने के लिए जाता तो नल हमेशा खुला छोड़ देता, वही औरत बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। देखो भैया पानी को बचाना बहुत जरूरी है ना? अब बरसात का पानी सारा बाहर बह जाता है, बेकार। हाँ बेकार। तो उनका क्या उपयोग है मामा? मैं बताता हूँ। पानी को बचाने के लिए रात में मुंह फैला के ऊपर सोना है। सुनो देखो ये छत बन गई है ना, इसका पानी निकालने के लिए कहीं पनारा लगा होगा। पनारा? हाँ लगा है। लगा है ना? हाँ, लगा। तो उस पनारे के जहाँ पर है उसी को गड्ढा खोद लो। गड्ढा खोद लो? हाँ। वो क्या? और गड्ढे में ही पानी इकट्ठा कर लो। अच्छा। अब उसका क्या फायदा? उसका फायदा देखो, एक गड्ढे में पानी भरा रहेगा। हाँ। उसके बाद उसको शौचालय में प्रयोग कर लिया जाएगा, पानी डाल दो सफाई हो गई है ना। और इधर उधर के पौधे लगा लोगे घर के दरवाजे तो उसमें भी पानी मिल जाएगा। अब उसमें कैसे पानी मिल जाएगा? अरे नहाने के लिए पानी प्रयोग करते हो। हाँ, करते हैं। है ना? तो उसी के साथ साथ ऐसी क्यारी बना दो कि नहाने का पानी, बर्तन मांजने का पानी सब उन्हीं क्यारियों में आ जाए और आसपास घर साफ रहेगा, हरियाली बनी रहेगी। यानी कि जल का संरक्षण भी, पौधा रोपण भी और हरियाली भी। हाँ, और पानी को हमेशा जो है वो इतना प्रयोग करो कि जितने की आवश्यकता हो, बेकार पानी मत बहाओ। हाँ, तुम भी ध्यान रखा करो जरा लड़के के ऊपर में। हाँ, समझ गई? हाँ, अब वो देखो। अरे दीदी आ रही है। दीदी नमस्ते। भैया भी आ रहे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते, 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 नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। क्या आवाज है, सब लोग बहुत खुश है भैया, बहुत भीड़ लगी है। अरे दीदी खुश होने की तो बात ही है, देखो शहरी आवास योजना के अंतर्गत इन सबको मकान मिल गए हैं और मकान के साथ साथ गैस की सुविधा भी मिल गई है, और गैस की सुविधा मिलने के बाद में वो आयुष्मान कार्ड भी मिल रहे हैं। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आप सभी को ये मालूम है कि हमें इन सुविधाओं का लाभ कहां से और कैसे मिलेगा? क्या मतलब? तुम तो हर बात में क्या मतलब, इतनी देर से समझाया जा रहा लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कुछ जा नहीं रहा। अब बच्चा बच्चा समझ गया है, पूरा शहर समझ गया है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। अरे इन लोगों को बताना है। हाँ तो ध्यान से सुनिए आप लोग, और मामा जी और चाचा जी आप खासकर अभी जिन योजनाओं के विषय में सबने जानकारी पाई है, इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंगीकार अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन भैया इसके लिए आप सभी को अपनी सोच और तो और अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। बिल्कुल ठीक, अपनी सोच में परिवर्तन और अपनी आदत में बदलाव लाना है। हाँ, सही बात। एक तो ये आदमी बात जल्दी समझता नहीं,
अरे अभी यही बात तो चल रही थी सोच में परिवर्तन की। अच्छा अब कितनी बार आपको बताऊं मामा, अरे यही बात तो हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हम लोगों को मकान तो मिल गया, लेकिन उसी के अंगीकार अभियान के तहत जो जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं, उन जानकारियों से हम लोगों को अपने जीवन शैली में सुधार लाना है। अच्छा अब उन तमाम जानकारियों के बारे में एक बार फिर से भी विस्तार से नजर डाल लेते हैं। शौचालय का उपयोग करना है और उसको साफ भी रखना है, कूड़ा करकट नहीं फैलाना है और कूड़े का सही निष्पादन करना है। सूखा वाला कूड़ा हमेशा नीले वाले डस्टबिन में डालना है और गीला वाला कूड़ा हरे वाले डस्टबिन में डालना है और गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाकर उसे उपयोग में भी लाना है। पानी का संरक्षण करना है और ऊर्जा का संरक्षण करना है। कम बिजली खाने वाले LED बल्ब का इस्तेमाल भी करना है। सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का इस्तेमाल और रखरखाव सही तरीके से करना है। अंगीकार अभियान को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाना है और अपने पर्यावरण को और जीवन स्तर को और भी ज्यादा सुदृढ़ और बेहतर बनाना है। लेकिन अंगीकार भैया, आप वो बता रहे थे PMAYU ऐप, कोई इस ऐप का लाभ क्या है? हाँ, इस ऐप का लाभ तो बहुत है। जैसे कि आप सबने अपने घर को कितना सुंदर बना रखा है, है? अरे आप अपने घर की फोटो खींच लीजिए, कुछ वीडियोज बना लीजिए और इस ऐप में अपलोड कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति देखेगा वो भी प्रेरित होगा इन सब वीडियो को देख के, फोटो को देख के, तो वो भी अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाएगा। अच्छा हाँ, और मामा जी, जी इस ऐप के जरिए आपको अंगीकार अभियान के विषय में भी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा भैया। हाँ लेकिन भैया, आप लोगों को हमारे साथ में एक शपथ ग्रहण करनी होगी। तो सभी लोग करेंगे? चलिए, आज हम शपथ लेते हैं, आज हम शपथ लेते हैं कि अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, अंगीकार अभियान को आगे बढ़ाना है, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, अंगीकार अभियान को आगे बढ़ाना है। सब आओ रे, अंगीकार को सफल बनाओ रे। सबको जन जन को ये बतलाओ रे। आओ रे आओ रे सब आओ रे, सब आओ रे, अंगीकार को सफल बनाओ रे। आयुष्मान कार्ड से भैया इलाज गरीबों का होना है, इलाज गरीबों का होना है, इलाज गरीबों का होना है। अंगीकार को अपनाओ रे, आओ रे आओ रे सब।